हाँ तो भाइयों, BGMI को बैन हुए ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है एंड अभी तक हमें क्राफ्टन की तरफ से कोई भी पॉजिटिव या फिर गुड न्यूज देखने को नहीं मिली है और ना ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बैड न्यूज देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि क्या आने वाले 10 दिनों के अंदर गेम अनबैन होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा जो गेमर है या फिर कॉन्टेंट क्रिएटर है वो बता रही है 28 तारीख को यानी 28 अगस्त को या फिर 29 तारीख को आपको गेम अनबैन होता हुआ दिख जाएगा। तो क्या इनकी बातें 16 आने सच है या फिर इनकी कीमत रद्दी बराबर भी नहीं है, तो ये सारी चीज आपको आज की इस वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। और हाँ, कल यानी 25 अगस्त को आपको एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिलने वाला है मेरी तरफ से, तो कल का वेट कर लो और हमेशा की तरह आपका प्यार एंड सपोर्ट जरूर से दिखाना। ओके, देन हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, तो वीडियो के अंदर हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करने वाले थोड़े से गुड न्यूज के बारे में या फिर पॉजिटिव न्यूज के बारे में, जिसको देख के आपको जरूर से लगेगा कि हाँ भाई, हमारा जो गेम है BGMI वो आने वाला है या फिर अनबैन हो सकता है। लेकिन उसके बाद हम बात करने वाले थोड़ी सी नेगेटिव साइड के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई BGMI काफी ज्यादा गलती है जो कि इस टाइम भी कर रहा है, जो कि आने वाले टाइम में उसी को प्रॉब्लम देने वाली है। अब वो क्या क्या चीजें होने वाली वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी गुड न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भाई बेसिक चीजें, तो आप सभी को पता होगी कि भाई जो CEO है साथ में CFO है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके अंदर यही बताया था कि भाई गवर्नमेंट से वो काफी बातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं एंड जो हमारा गेम है उसको अनबैन करवाने में लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है गेम को अनबैन करवाने में। एंड उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी आप सभी ने देख लिए होंगे। अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। पहली तो ये कि जो हमारे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के जो CEO है, उन्होंने रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट डाला था जिसके अंदर वो किसी से बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे, जिसके अंदर लिखा था कि भाई हमारा जो गेम है वो क्या डेड हो चुका है, क्या उसका फ्यूचर अब खत्म हो चुका है। तो उसके रिप्लाई में जो आंसर था वो ये था कि भाई जो हमारा गेम है वो कमबैक करने वाला है, आप पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। अब उसके अंदर उन्होंने डिस्कस भी किया था कि भाई गेम अगर बैन हो जाता है तो हमारे जो ई स्पोर्ट्स का करियर, जो हमारा ई स्पोर्ट इस टाइम जहां पर है उससे वो काफी साल पीछे चल जाएगा, क्योंकि ई स्पोर्ट्स के अंदर जो BGMI गेम है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है और वही अगर सीन से चला जाएगा, बैन हो जाएगा, तो भाई जो हमारे ई स्पोर्ट्स है वो काफी पीछे चल जाएगा, काफी टाइम साल पीछे चल जाएगा और उस सीन को दोबारा यहाँ पर आने में काफी साल लग जाएंगे। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट को एक सही फैसला लेना चाहिए। साथ में मैं आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई गेम अगर हमारा बैन हो जाता है, BGMI अगर इंडिया के अंदर बैन हो जाता है, तो आने वाली जो कंपनीज है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली या फिर जो फ्यूचर देख रही है अपनी इंडिया के अंदर कि भाई हम इंडिया के अंदर हमारी नई एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हम $1 मिलियन लगाएंगे, तो वो ऐसा करने से डरेंगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो कंपनीज देखेगी कि भाई हमारे जो गेम है BGMI यानी कि जो हमारे क्राफ्टन है, उन्होंने भी काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे अपने इंडिया के अंदर एंड उनकी जो एप्लीकेशन है या फिर जो गेम है उनको कुछ ही टाइम के अंदर बैन कर दिया गया एंड जो क्राफ्टन की कंपनी, उनके जो सारे पैसे हैं वो डूब गए, तो भाई कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो अपने पैसे डुबाने को तैयार होंगी। तो इसी चीज को देखते हुए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई आने वाली जो कंपनीज है उनके साथ ऐसा ना किया जाए, उनको एक प्रॉपर नोटिस दिया जाए कि वो क्या गलती कर रहे हैं। और ये पूरी चीज मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बता दी थी, तो मेरे को ये बताने की अभी जरूरत नहीं है, तो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे। एंड सेकंड ये कि काफी बड़े बड़े क्रिएटर है या फिर टेक क्रिएटर है या फिर हमारे जो स्काई स्पोर्ट्स के CEO है, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई गेम 100% अनबैन होने वाला है। अब अगर 100% लिखकर भी गेम बैन हो जाता है तो भाई क्या ही कहना। और हाँ, एक और चीज, काफी बंदे ये सोचते हैं कि भाई गेम हमारे एक ही दिन में अनबैन हो जाएगा, यानी कि हम रात को सोएंगे और सुबह उठ के देखेंगे तो हमारा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे हमें गेम देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्राफ्टन की तरफ से आपको एक प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या फिर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर वो बताएंगे कि भाई वो जो गवर्नमेंट से मीटिंग कर रहे थे वो सक्सेसफुली फाइनली हो चुकी है और उसके बाद वो स्टेटमेंट के अंदर हमें थैंक यू भी बोलेंगे, जो हमारे BGMI गेमर्स उनको थैंक यू भी बोलेंगे पेशेंस रखने के लिए और उन पे बिलीव रखने के लिए। देन उसी स्टेटमेंट के अंदर हमें एक प्रॉपर डेट देखने को मिलेगी, रिलॉन्च डेट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर वो बताएंगे कि भाई इस दिन हमारा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे गेम दोबारा आ जाएगा। तो टेंशन मतलब ये दिन भी जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा कि भाई हमारा जो गेम है वो इस दिन लॉन्च होने वाला है। और हाँ, एक और चीज, जब भी कोई गेम बैन होने वाला होता है या फिर बैन हो चुका होता है तो वो कोई भी ऑफिशियली अपडेट हमें नहीं देता है गेम के अंदर, यानी कि गेम में जो पुरानी चीजें होती रहती है, पुराने जो मोड होते हैं वही चलते रहते हैं, आने वाले टाइम में वो भी बंद हो जाते हैं। लेकिन BGMI ने ऐसा नहीं करा है, BGMI ने जो RP है उसको फिक्स कर दिया है, तो इनसे आप मान सकते हो कि भाई हमारा जो गेम है वो वापस आने वाला है, क्योंकि क्राफ्टन वालों को तो पता है कि भाई गेम आ जाएगा, तो वो ये नहीं चाहते कि उनके जो रेगुलर प्लेयर्स है, जो रेगुलर गेमर है, वो गेम को छोड़ के जाए, तो इसीलिए वो अपडेट दे रहे हैं हमें। लेकिन जहां पे धूप होती है वहां पे छांव भी होती है, तो जहां पे पॉजिटिव न्यूज होगी वहां पे नेगेटिव न्यूज भी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं BGMI की थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज। तो रिसेंटली काफी ज्यादा प्लेयर्स ऐसा रिपोर्ट करे कि भाई उन्हें गेम के अंदर चाइनीज लैंग्वेज देखने को मिली या फिर चाइना का जो फ्लैग है वो देखने को मिल रहा है। लकी क्रिएट की वो पबजी मोबाइल वाली टी शर्ट तो आप सभी को याद ही होगी, और साथ में काफी ज्यादा प्लेयर्स ये भी कमेंट करे कि अगर उनके फोन में कोई एंटीवायरस है तो वो ये रिपोर्ट करे कि भाई आपका जो गेम है BGMI उसकी जो फाइल है, जो मेन फाइल होती है जो 600-700 MB की होती है, वो वायरस फैला रही है और वो वायरस इस तरीके का है कि जो आपका फोन है उसको वो हैंडल कर रही है, उसके अंदर जो डाटा है वो कहीं पे शेयर कर रहा है। काफी बंद हो गए, तो ये भी कहना है कि भाई जो हमारा BGMI है वो पूरी की पूरी पबजी मोबाइल की जो मेन फाइल होती है उसी से रन कर रहा है। अब ये कितनी बात सही है कितनी बात सही नहीं है वो मुझे नहीं पता, आपका क्या सोच, आप क्या सोचते इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो ये तो वही बात होगी कि भाई BGMI वाले खड्डा भी खोद रहे हैं, साथ में उसी मिट्टी को दोबारा उस खड्डे में डाल रहे हैं। अब BGMI वाले क्या चाहते हैं, खुद ही लूप होल छोड़ रहे हैं, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, BGMI ऐसे हरकतें करेगा तो जरूर से बैन हो जाएगा। और जो मेन कारण है वो यही कि हमारा जो डाटा है वो शेयर हो रहा है चाइना से, और आपको तो पता ही होगा कि भाई पबजी मोबाइल और इंडिया का 36 का आंकड़ा है,
और BGMI वाले हर जगह पे PUBG मोबाइल शो कर रहे इंडियन गवर्नमेंट को, तो भाई BGMI जरूर से बैन हो जाएगा ऐसी हरकतें करेगा तो। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में मुझे बताना आप क्या सोचते हो इस बारे में, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल का वेट करो, कल आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। बाय।